असुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया और कहा कि जो लोग खुद को सेकुलर बताकर सीटों में इजाफा कर चुके हैं वो मुस्लिमों पर हुए इस एक्शन पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। शायद ओवैसी को यहां पर मस्जिद गिरती हुई तो नजर आई लेकिन मंदिर और हिंदुओं के घर टूटते हुए नजर नहीं आए। ये बड़ी अफसोस की बात है कि जो लोग जिनको मुस्लिम अखलियत ने, दलितों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने वोट दिया, जिन पांच जो नाम निहाद या वो भी अपने आप को सेकुलर बोलते हैं उनकी सीटों में इजाफा हुआ, एक भी उनकी तरफ से बयान नहीं आता कि जो घर तोड़े गए गलत है, जुल्म किया जा रहा है। खैर, शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते भारत के मुसलमानों का, क्योंकि बड़ी तकलीफ हो जाती है उनको अगर वो बोलेंगे तो, मगर जब घर तोड़े जा रहे हैं कम से कम बोलना तो था कि हम इसका कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं।